दोस्तों आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है आकाश जी ने, जो कि घाटशिला झारखंड के रहने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आकाश जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल सके। आकाश जी बताते हैं कि 13 मार्च 2009 होली आने में बस 4-5 दिन ही रह गए थे। हर साल की तरह इस साल भी होलिका दहन की सारी तैयारियां हमें ही करनी थी। इस साल हम दोस्तों ने तय किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी लाएंगे ताकि अगजे को बड़ा बनाया जा सके। पर दिक्कत की बात यह थी कि अगजे को बड़ा बनाने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही थी। किसी भी तरह से लकड़ियों का जुगाड़ ना होने पर हमारी ही ग्रुप के एक दोस्त ने बताया कि गांव के पीछे वाले जंगल में बहुत से छोटे छोटे पेड़ हैं जिनसे लकड़ियों का इंतजाम हो जाएगा। पर उस जंगल में जाना इतना आसान नहीं है। हमारे घर वालों के मुताबिक उस जंगल में भूत प्रेत का वास है, जिस वजह से हमारे घर वाले दिन में भी हमें उस जंगल में जाने की इजाज़त नहीं देते। दिन में तो हम उस जंगल में नहीं जा सकते थे, जिस वजह से हमने तय किया कि मैं और मेरा दोस्त विनय हम लोग आज रात को बिना किसी को घर पर बताए जंगल में जाएंगे। बकायदा प्लान के मुताबिक हम रात के तकरीबन 11:30 बजे घर से निकलकर जंगल में दाखिल हुए। जंगल में दाखिल होते ही मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स फील हुआ। खैर, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हम लकड़ी काटने लगे। लकड़ी काटते काटते हम यही बातें कर रहे थे कि फालतू में लोग यहाँ आने से डरते हैं। इतने में ही मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, आकाश। यह आवाज़ सुनते ही मैं एकदम से पीछे मुड़ा, पर वहाँ दूर दूर तक विनय के अलावा और कोई भी नहीं था। वहाँ कोई भी ना दिखने पर मैंने विनय से पूछा, तूने मुझे आवाज़ लगाई क्या? इस पर विनय ने कहा, नहीं तो। खैर, मैं उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वापस लकड़ी काटने लगा। अभी हम लकड़ी इकट्ठा कर ही रहे थे कि हमारे कानों में पायल की छमछम की आवाज़ गूंजी। अभी हम उस आवाज़ को गौर से सुन ही रहे थे कि तभी मुझे सामने पेड़ पर एक औरत उतरती दिखी। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि मेरा पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो औरत पेड़ से इस तरह उतर रही थी कि जैसे कोई ज़मीन पर चल रहा हो। वो औरत एक टक मेरे गर्दन को ही देखे जा रही थी। किसी तरह मैंने और विनय ने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। जब हम घर पहुँचे तो घर वालों ने हमें बहुत फटकार लगाई और कहा कि खबरदार अगर आइंदा से तुम लोग उस जंगल में गए तो। इस घटना के 2-4 दिन बाद हमने गांव के बुजुर्ग से उस जंगल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस जंगल में कई हादसे हुए हैं और बहुत से लोगों की जाने गई हैं। तब से वो जंगल हॉन्टेड है। और उस बुजुर्ग ने यह भी बताया कि मेरे गले में बजरंगबली का एक लॉकेट है, जिस वजह से वो औरत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। यह सुनकर मैं और विनय अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि इस घटना के बाद आज भी हम जिंदा हैं। तो दोस्तों, ये थी आकाश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और देखते रहें डार्क फाइल्स।